मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जानकारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि आपके नीचे से निकल कर के भागेगी बीवी लेकिन आपका नहीं गिरेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से आपके साथ में होने वाला है। बस आप बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस पूरी वीडियो को, इसके अंदर क्या मैं आपको बताने वाला हूँ और कितना शानदार और जानदार और चमकदार नज़ारा आपके सामने आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये इतना बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है कि ये कम अज़ कम अब तक 3000 लोगों को इससे फ़ायदा हो चुका है और उनका बिल्कुल ऐसे सख्त हो गया लकड़ी की तरह। और बताते हैं जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है और अब हम अच्छे से जो है मियाँ बीबी दोनों खुश रहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं और आप अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, आपकी नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और आप इस कदर बेकार हो चुके हैं कि किसी भी तरह से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मर्दाना ताकत आपकी बढ़ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ये उस वजह से हुआ है जो आपने गलत काम अपनी जवानी के अंदर कर लिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इसी परेशानी के शिकार हैं और इसी चीज़ को आपका चाहे आपको जो है इसी बीमारी का इलाज चाहिए, तो मेरे दोस्तों जानिए इस वीडियो में आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर में ही ये चीज़ मौजूद है और कहीं भी आपको ये चीज़ दुकान से मिल जाएगी बहुत ही आसानी के साथ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको पिस्ता जो है इसको तो आप जानते ही होंगे, पिस्ता इतनी शानदार चीज़ है, बदन के अंदर इतनी ताकत और एनर्जी पैदा कर देता है कि इंसान जो है फिर रुकता नहीं है बल्कि इसको खाने के बाद में दौड़ने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिस्ता आप जानते हैं, तो आपको पिस्ता किस तरह से इस्तेमाल करना है बस ये जान लीजिए। आपको 10 पिस्ते लेने हैं और 10 पिस्तों को आपको क्या करना है, इनको अच्छे से कूट लेना है और कूट कर बारीक कर लें इसको अच्छे से। और आपको एक गिलास दूध लेना है, दूध हर घर में मौजूद रहता है और हर कहीं मिल जाता है आसानी के साथ में। दूध के अंदर जो एनर्जी है, जो विटामिन है, जो कैल्शियम पाया जाता है, वो बदन को इतनी ज़्यादा ताकत पैदा करता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता। तो बस आपको एक गिलास दूध लेना है और 10 पिस्ते जो आपको बताए हैं ये आपको जो है इनका छिलका उतार लेना है, बारीक कर लें इनको और दूध में मिला लें। हम बिस्तरी करने से 2 घंटे पहले इस दूध को पी लें, फिर देखें किस तरह से आप जो है अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं और कितना आपका कड़क हो जाएगा। इस्तेमाल का तरीका यह है, सुन लीजिए, कि रोज़ाना रात को खाना खाएं तो अच्छी तरह से खाना खाएं और खाना खाने के एक घंटा जो है इस चीज़ को रख दें। एक घंटे के बाद जो आपने ये बनाया था एक गिलास दूध में, जो आपने 10 पिस्ते डाले हैं कूट करके, तो ये एक गिलास दूध इसको जो है आप एक घंटा खाना खाने के बाद इसको पी लें और इस दूध को पीने के 2.5 घंटे बाद हम बिस्तरी करें। और अगर आप दूध को मीठा करना चाहें तो मीठा भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते और आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा होगा। ये नुस्खा आपके जिस्म को फौरन ताकत देगा, इस तरह से आपके अंदर ताकत ऐसे आ जाएगी जैसे कि आप ये महसूस करेंगे कभी मेरे अंदर कोई कमी थी नहीं और कभी जो है मैं इस बीमारी का मर्दाना ताकत का कभी शिकार हुआ ही नहीं, इस तरह से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर जानकारी, हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे।